एक महीने का रनवे बचा था अकाउंट में। को फाउंडर तो ढूंढना ही, अकेले तो पागल हो जाओगे। बैटमैन देखिए जब वो कूदता है सेफ्टी नेट के साथ, कभी पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया ना। सब सोचते हैं कि कर लेंगे, पर जब तक आपका सेफ्टी नेट होता है ना, आप आगे नहीं बढ़ते। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के इंटरव्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद एक कार्टूनिस्ट और एक पेंटर। इन्होंने IIT करी, IIM किया, बहुत बढ़िया जॉब करे थे, बट फिर उन्होंने डिसाइड किया कि तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके साथ कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, कैसे उन्होंने आइडिया को चूज़ किया, कैसे इनिशियल टीम हायरिंग करी, फंडिंग रेज करी, कल्चर बिल्ड किया, और इनिशियली क्या प्रॉब्लम्स आते हैं स्टार्टअप फाउंडर्स को और कैसे उनको टैकल किया जाता है। तो बेसिकली आपको एक मास्टर क्लास टाइप का मिल जाएगा अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। तो मैं वेलकम करता हूं मनीशील और शिखर को, जो कि को फाउंडर्स हैं इन्वेस्टोरी के। वेलकम मनीशील, वेलकम शिखर। हाय। तो मनीशील और शिखर, जैसे कि मैंने रिसर्च किया और पाया कि यार आपने अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स के अलावा सबसे ज़्यादा जो टाइम है एक दूसरे के साथ स्पेंड किया। वो तो है। तो ये कैसे डिसाइड किया? यूजुअली इतना टाइम स्पेंड करने के बाद लोग अलग हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि को फाउंडर चूज करना बोलते हैं कि यार जैसे आप शादी कर रहे हो उस टाइप का डिसीजन है। तो कैसे आपने फाइनली डिसीजन किया कि यार हम दोनों मिलके साथ में स्टार्टअप करेंगे? तो यार आपने सही बात बोली। तो सारी फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन के बाद भी जैसे आप अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स को नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर भी नहीं छोड़ पाए। मतलब पैंडेमिक साथ में निकाल लिया हमने एक घर में कंटिन्यूसली, तो उसका लगा कि ठीक है ये निकाल सकते हैं तो साथ में स्टार्टअप तो चला ही लेंगे। अब जैसे कि को फाउंडर आपने चूज किया, बट यूजुअली अगर आप एक बहुत दिक्कत होती है कि यार हमारे व्यूअर्स की यार नॉर्मल एंटरप्रेन्योर्स को कि यार वो स्टार्टअप का आइडिया सोच लेते हैं, बट उनको कन्विंस करने में दिक्कत होती है जब वो को फाउंडर लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वो फंस जाते हैं कि यार वो बोलते हैं कि यार हमारे पास आइडिया है बट हमें को फाउंडर नहीं मिल रहा। वहाँ पे आप क्या एडवाइस देंगे? कहाँ से को फाउंडर ढूंढ सकते हैं? को फाउंडर्स के पास क्या स्किल्स या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं? सबसे पहले जब कोई को फाउंडर ढूंढता है, मतलब एटलीस्ट माय रिकमेंडेशन कि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट ढूंढना। मतलब अगर दो लोग को सेम चीज़ आती है तो दो लोग सेम चीज़ करेंगे तो हमेशा फ्रिक्शन होंगे। मेरा हमेशा से था कि मार्केटिंग और फंड रेजिंग मेरे पे था, प्रोडक्ट एनालिटिक्स इस पे था, हम हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री काम करते थे। एंड दूसरा को फाउंडर तो ढूंढना ही, अकेले तो पागल हो जाओगे। हाँ एग्जैक्टली। आपको आपका खुद का स्किल सेट डिफाइन करना है पहले। आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा आपका एग्जैक्ट स्किल सेट क्या है। एंड एज मनीशील सेट कि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट का आपको एक को फाउंडर की बहुत ज़रूरी है। इट हैज़ पजल का जो पीसेस होते हैं ना दो, हाँ, कुछ लेवल तक स्टार्टिंग में मैच हो जाए तो फिर आगे के आप अपने आप से ढूंढ लेते हो। एंड देन फिर आपकी टीम हायरिंग आगे फिर उसी फ्लो में चलती है। और यहाँ पे वही क्योंकि ऑफकोर्स आप लकी रहे, आप दोस्त भी थे, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स भी थे, बट नॉर्मली एक इंसान फिर को फाउंडर कहाँ ढूंढेगा अगर मतलब उनके दोस्त में कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स ना हो या वो उनको कन्विंस ना कर पा रहे हो? फिर कहाँ कहाँ इंसान को फाउंडर ढूंढेगा? एक तो डिजिटल पूरे सारे मीडियम है, हैज़ जॉब्स करके वेबसाइट है, लिंक्डइन है, लोग डालते रहते हैं कि लुकिंग फॉर अ को फाउंडर, ये मेरे ये एरिया में हम काम कर रहे हैं, ये स्टेज पे है। तो एक तो वो होता है। एक आपके नेटवर्क में होता है, इतना कीड़ा आ चुका है कि लोगों को करना है, मतलब पीपल वांट टू गेट अवे। लोगों को अपनी नौकरी छोड़ के खुद का करना है, बिकॉज 15 घंटे किसी और के लिए काम करके अब लोगों को लगने लग गया कि भले कितना भी पैसा दे दो पर ग्रेटिफिकेशन नहीं है, खुशी नहीं होती। हफ्ते के एंड में फिर से लगता है मंडे में फिर से वो काम करूँगा। मैं संडे को वेट करता हूँ कि मंडे आ रहा है, मज़ा आएगा, आज फिर से मंडे फिर से हम लोगों से बहुत काम कराएंगे, साथ में काम करेंगे, अच्छा लगता है। तो वो वाले जब एक बार आपको मिल जाता है ना तो लोग आना चाहते हैं। तो आप मार्केट में कमी नहीं है, बस अपना आइडिया अच्छे से प्रेजेंट करना है कि हम ये करना चाहते हैं, हमारा ये विजन है और हम ये ढूंढ रहे हैं, आपको सही लोग मिल जाएंगे। ड्राइव बहुत है लोगों को, बहुत कुछ करना है। जैसे कि हम किसी नए आदमी से मिलते हैं तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, बट वी प्योरली रिलाई ऑन कि मेरी वाइब मैच हुई कि नहीं मैच हुई। तो आप टेक्निकल स्किल सेट तो आप प्रैक्टिकल है, वो आप डिफाइन कर लोगे पेपर पे, बट आप किसी से मिलोगे आपकी वाइब मैच होती है तो यू कैन गो फॉरवर्ड विद इट। आप आगे बढ़ सकते हो, आराम से बढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब ये देखिए कि ऑफकोर्स आपने इंजीनियरिंग किया, अच्छे स्टार्टअप्स में जॉब भी किया, अच्छे लेवल पे भी दिए, बट जैसे कि काफ़ी लोगों के साथ मैं भी डिस्कस करता हूँ, बहुत लोगों के पास आइडिया होता है बट वो पहला स्टेप लेने से बहुत डरते हैं क्योंकि आपके पास खोने को बहुत कुछ है, इतनी अच्छी सैलरी भी होगी। वो कन्विक्शन कैसे बिल्ड किया कि अगेन आप अपने करेंट स्टार्टअप्स में भी अच्छा काम कर रहे होंगे, अच्छे वो मिल रहे होंगे, तो सब कुछ छोड़ के बिल्कुल जीरो से स्टार्टअप करना है? वो कन्विक्शन कैसा है कि नहीं यार अब करते हैं सब? अपने बैटमैन देखिए, हाँ। जब वो कूदता है सेफ्टी नेट के साथ, कभी पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया ना। हमारे साथ भी वही था कि सब सोचते हैं कि कर लेंगे, पर जब तक आपका सेफ्टी नेट होता है ना आप आगे नहीं बढ़ते हो। मैंने बोला कि अब ठीक है छोड़ देते हैं, करते हैं। छोड़ने के बाद फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं था, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, बट अगर नहीं चलेगा तो पता रहेगा कि हमने ट्राई किया, लाइफ में रिग्रेट नहीं रहेगी। और नहीं चलेगा पता कैसे चलेगा? जब तक करेंगे नहीं। तो करना तो है ही। गेम में जीतोगे या नहीं वो जानने के लिए गेम खेलना पड़ेगा, खेलने तो पड़ेगा, खेलना तो पड़ेगा। बाहर से रह के नहीं पता करते यार ये जीत पाएंगे कि नहीं। बहुत लोगों को ना मल्टीपल आइडियाज भी आते हैं कि यार मैं फिनटेक भी कर लूंगा, मैं ई कॉमर्स भी कर लूंगा, ये भी आइडिया वो भी है, मतलब दिन का 5-7 आइडिया सोचते हैं। तो आपको भी आई एम अज्यूमिंग मल्टीपल आइडियाज होंगे। आप कोई अगर फाउंडर है वो मल्टीपल आइडियाज सोच रहा है, वो कैसे डिसाइड करेगा कि यार दीज आर, मतलब इस आइडिया पे मैं डबल डाउन करना चाहिए, मतलब क्या चीज़ों चेक मार्क करने के बाद यार ये आइडिया पे आप रिसोर्सेज लगाते हैं? पहला तो रिसर्च है। रिसर्च के मतलब लोग क्या करते हैं गलती जहाँ पे कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इंडस्ट्री के नीचे 2-3 लेवल और इंडिकेटर्स आप देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि यहाँ पे जाना है कि नहीं जाना। जैसे हम लोग जब रियल एस्टेट स्टार्ट कर रहे थे, हमने रियल एस्टेट के नीचे के इंडिकेटर्स देखे कि हाउसिंग कितना बिक रहा है, ऑफिस कितना यूज़ हो रहा है, वेयर हाउसेस कितना बढ़ रहे हैं, तो हमें उससे समझा कि इंडस्ट्री बढ़ रही है। दूसरे बाद हमने इंटरनेशनल पैरेलल देखा कि इंटरनेशनल में कंपनी थी जो हमसे 6 साल पहले से यूएस में काम कर रही थी, उनका प्रोडक्ट देखा कि हाँ ये तो बहुत बड़ी हो गई है और सेम इंडिया में नहीं है पर यूएस में थी, तो इंटरनेशनल पैरेलल देखे कि यहाँ पे ये काम कर रहा है, रिसर्च किया हमारा कि इंडस्ट्री सही कर रही है। उसके बाद चलो अब फर्स्ट लेवल चेक में होगा कि ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, अब आगे बढ़ते हैं, तो एक स्टेप लेके आगे बढ़े हम लोग। तो आपने रिसर्च किया, देन देखा कि दूसरी कंपनी बड़ी है, बट यहाँ पे एक डाउट था कि आप रियल एस्टेट स्पेसिफिकली में, बट इंडिया में बोलते हैं कि रियल एस्टेट ऑलरेडी बहुत हाइप्ड है, मतलब बहुत स्पेसिफिक जगह है और वो जगह एनीवेज बहुत हाई प्राइसेस पे है। आई एम अज्यूमिंग यूएस में उतना नहीं होगा। यूएस में भी है, यूएस में देयर आर पॉकेट्स, ओके देयर आर पॉकेट्स, एंड जो यूएस में हो रहा था इट वाज, वो हमारे लिए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट था। अगर वहाँ चल रहा है ठीक है, ओवरऑल इंडस्ट्री आप देखोगे किसी भी इंडस्ट्री को पकड़ो, इनोवेशन यूएस में होगा तो वी फॉल 4-5 साल पीछे चलता है, तो हमने गैप देखा कि 8 साल है एंड वहाँ से भी जॉट डाउन कि भाई दिस इज द राइट टाइम कि हम इस वाइट स्पेस में एंटर करें एंड बिल्ड समथिंग वेरी सब्सटेंशियल। और कोई कुछ कर नहीं रहा था क्योंकि एंड जो हमारे पार्टनर्स भी ऑल्टरनेटिव एज सच इंडस्ट्री अराउंड रियल एस्टेट बन ही रही थी, शुरू ही हुआ था 2-3 साल पहले ही हुआ। हाँ, 2017-18 से स्टार्ट हुआ था, तो हमें पता था कि 2-3 साल में वो पहुंच जाएगा, 1.5 साल तो हो ही गया और हमारे को दिखना शुरू हो गया कि वो हाइपर ग्रोथ फेज पे जा रहा है। और जो सवाल था कि कैसे कैसे चेक करोगे पॉकेट्स में आएगा, तो अब वो देखते हो ना कि मार्केट कितना बड़ा है। रियल एस्टेट $250 बिलियन का मार्केट है इंडिया में बस, तो आप उसमें सोचो कि अगर 5% भी क्रीम होगा तो $12.5-15 बिलियन का इंडस्ट्री तो हमारे लिए ऐसी पड़ा है जो टैप कर सकते हैं। तो उस लेवल पे आपको सोचना है कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। आप थोड़े कैलकुलेटिव गेस्ट लोगे कि ठीक है इतना तो अच्छा होगा, इससे तो स्टार्ट कर ही रहे, अगर स्टार्टिंग पॉइंट ही अच्छा है तो क्यों नहीं करोगे। इसमें बस एक प्रॉब्लम ये क्योंकि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फील्ड तब भी आई थिंक बहुत छोटा था, अभी भी आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा ग्रो हुआ है, नॉट श्योर आपके पास डेटा होगा, क्योंकि और सारे से म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, ये बूम कर रहा है, स्टिल ग्रोथ है बट वो। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन ऑडियंस जो कि अभी भी गोल्ड एंड एफडी पे बिलीव करते हैं, मतलब वो म्यूचुअल फंड में भी शिफ्ट करने में भी और भी बहुत टाइम लगेगा, वो और भी ऐसी चीज़ में जो कि समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, नेचुरली नहीं आता, मतलब इसमें लर्निंग कर्व बहुत है, वो कर पाएंगे शिफ्ट? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। यहाँ पे फोरसाइट आती है इन द पिक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल आप जीरोधा का एग्जांपल ले लोगे तो उन्होंने पूरा फोरसाइट पे काम किया है। व्हेन दे बिगेन, जब उन्होंने शुरू किया था, म्यूचुअल फंड्स की बस रिस्क के ही बारे में बात कर रहे थे, उसको कुछ समझना नहीं चाह रहा था, बट वो हुआ, वो बदला चेंज। तो हम लोग भी फोरसाइट पर ही काम कर रहे हैं। जब हमने शुरू किया था वी वर आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि यार ये ज़रूरत है क्या इस चीज़ की, आज की ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। 5 साल यस, अगर मैं आज शुरू करूंगा तो 5 साल बाद मेरा प्रोडक्ट इतना स्टेबल होगा कि मैं सबके रिक्वायरमेंट्स को कैटर कर पाऊंगा। प्यास लगेगी तब कुआं खोदने का मजा नहीं है ना। आरओआई भी तो चाहिए, रिलायबिलिटी भी चाहिए, तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमको पूछा लोगों ने कि थोड़ा जल्दी नहीं हो गया, मतलब कि यार जल्दी चलेगा बट लेट ही नहीं होना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। हाँ वो जल्दी चलेगा, समझ गया कि जब वेव आए आप होने चाहिए वहाँ, हाँ, उठा ले, ये नहीं कि जब वेव आ रहा हो तो मैं नाव बनाने शुरू कर रहा हूं, और मजा नहीं है। और जस्ट फॉर नंबर्स, ये इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 120-130% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है। ओके, तो मतलब ग्रोथ रेट तो बिल्कुल फास्ट ट्रैक हो चुकी है। तो अब तो और ये ग्रोथ रेट सिर्फ बढ़ेगी, तो हमें तो पता ही है कि बढ़ने वाला है। लोगों को अगले 6 महीने के अंदर दिख जाएगा कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। क्योंकि अब जो पहला सवाल कि लोग इधर से इधर कैसे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे सब कुछ वोलाटाइल है, आपको नहीं पता कि अब भी 1 घंटे बाद उनकी प्राइसिंग क्या रहेगी। यहाँ पे सब कुछ फिक्स्ड है, 12%, 16%, 17%, मतलब वो मिलेगा ही मिलेगा। वहाँ पे रिस्क अलग तरीके की, यहाँ पे रिस्क अलग तरीके की। लोगों को जब वो समझ जाएगा कि अपना पैसा दोनों जगह होना चाहिए, वहाँ पे हम जीत जाएंगे। और एक मुझे ये भी अभी डाउट आता है कि आप रियल एस्टेट में घुसे बट आपको रियल एस्टेट में आई एम अज्यूमिंग कोई एक्सपीरियंस, जैसे ओला में MPL वो सब प्योर प्ले टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे फिर यूजुअली बोलते हैं ना कि या तो आपको उस फील्ड का नॉलेज हो, उस फील्ड में आपने काम किया हो, आप इजीली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि आप तो इस फील्ड में है नहीं? देखो, इसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात और सारे फाउंडर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सबसे सही सवाल पूछना। तो हमने एडवाइज़र लेके आए जो रियल एस्टेट के 3-4 सबसे बड़े एडवाइज़र थे कि इन्होंने जो बोल दिया वो सोर्स ऑफ ट्रूथ है, सब कुछ जानते हैं। हमने सबसे सही सवाल पूछे, उन्होंने हमें सबसे सही आंसर दिया, हम आगे बढ़ते गए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो एक्सपीरियंस आना चाहिए। हमारे पास प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस था, हमें पता है कि स्टार्टअप कैसे बनता है, हमें पता है कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, वो हमने सीख लिया। हमने रियल एस्टेट के साइड के सवाल सही ढूंढ लिए, सवाल पूछ लिया, आंसर मिल गया, आगे बढ़ गए। एंड ऑल्सो रियल एस्टेट की हमने दोनों ने मिलकर खूब पढ़ाई करी है। हाँ, वो तो खूब पढ़ाई करी है। 1.5 साल क्रैश कोर्स हुआ है हमारा। मुझे लगा कि यहाँ पे वो बात आती है कि यार अगर एलन मस्क रॉकेट के बारे में किताबों से पढ़ के रॉकेट बना देते हैं, तो फिर रियल एस्टेट के बारे में रिसर्च करके पढ़ के क्यों नहीं होगा। एंड उसके साथ साथ फिर हमारे पास है, वी हैव अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट। जो चीज़ें हमसे मिस हो जाती है, जो हमने बस ऊपर से थोड़ा समझा है, जिसमें बहुत गहराई से नहीं जानकारी ली है हमने, तो वहाँ पे वो हमारी हेल्प, वो एक्सपर्ट टेक्स केयर कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें दे देता है। तो क्रैश कोर्स तो हमने कर लिया, हमें ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पता है, अब हमें रियल एस्टेट पता है। अब निटिग्रिटीज जो 30 साल से काम कर रहा है उनको ज़्यादा पता होगी, बट हमें पता है कि क्या ढूंढना है और क्या सवाल करना है। सही सवाल बहुत, क्योंकि सब तो गूगल और ये सब दे देंगे, बट क्या पूछना है वो जानना है। मतलब अभी देखते हैं, ऐसा डेटा देखता था इसमें कुछ गड़बड़ है, ये इतना ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा, इतना कम ठीक नहीं लग रहा, तो इतना तो हम अभी गेज कर लेते हैं बिल्कुल आराम से। अब जैसे कि आपने जब डिसाइड किया कि यार हम मिलके करेंगे, अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि क्योंकि टेक प्ले है, सीटीओ बनना आपको, और जैसे कि मार्केटिंग ग्रोथ ही आता है, प्रोडक्ट डेटा आता है, और सीटीओ हायर करना बहुत मुश्किल है। आप तो एनीवेज टेक के सैलरीज आसमान छू रहे हैं, बट काफ़ी जैसा हमारे व्यूअर्स का कहना है कि यार आइडिया तो सोच लिया, अब टेक आता नहीं है, टेक वाला बंदा मिल नहीं रहा है, तो वो टेक को फाउंडर कहाँ से ढूंढा जाए, कैसे उनको कन्विंस किया जाए कि यार, क्योंकि वो तो और भी बढ़िया जॉब बढ़िया सैलरी में, कि वो आके आपके छोटी कंपनी को ज्वाइन करे। इसमें ना हमारी स्टोरी बताता हूँ। हम लोग ने कितने सारे टेकीज़ को पूछा कि को फाउंडर बन जाओ, इक्विटी भी ज़्यादा देने को तैयार थे, लोग नहीं मानते। एंड आई अग्री विथ योर पॉइंट, बट वैसा है कि सही इंसान ढूंढना जरूरी है, वो वाइब मैच करने वाला। हमने तो वही सेम प्लेटफॉर्म यूज़ किया, हैज़ जॉब्स करके वेबसाइट थी, उस पर डाला सीटीओ कि हमारी सीटीओ की ऑफरिंग है, रियल एस्टेट में ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने हमें रीच आउट किया, हमने उन्हें हायर कर लिया। बट सीटीओ होना ज़रूरी नहीं है। अगर जैसे हम दोनों थे, हमने जब बिना सीटीओ हायरिंग हमने प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया था। अब आजकल बहुत ही लो कॉस्ट पे आउटसोर्स जाता है, वो सब भी जरूरत नहीं है। आप किसी एजेंसी को बोल दोगे कि यू विल पे सम एजेंसी कि आप आ जाओ, ज़्यादा पैसे नहीं लेते। हम लोगों का 3-4 लाख में प्रोडक्ट बन रहा था, तो पूरा एंड टू एंड बैक एंड वगैरह प्रोडक्ट बना के हमको दे रहे थे, वो 4 लाख में सब आउटसोर्स आता है। तो एक बार आपका प्रोडक्ट बन गया, एक बार थोड़े पैसे आ गए, पैसे आने गया तो सीटीओ आ जाएगा। मेन तो वही है कि अगर बेसिक एमवीपी बन गया, आप इन्वेस्टर्स को भी कन्विंस करो। एमवीपी नहीं बना तो भी चलेगा, किक स्टार्ट करना है तो उसे इन्वेस्टर को भी आप बता सकते हो कि प्रोडक्ट किक स्टार्ट हो गया, बनना शुरू हो गया, आपके पास स्नैपशॉट्स है। एंड अब सीटीओ हायरिंग के लिए जाते तो उनको ड्राइव दिख जाती है कि नहीं यार, ये भले दे वांट सीटीओ हायर करना चाहते हैं, बट कुछ करके उन्होंने शुरू कर दिया है, तो ये करना बिल्कुल डेफिनेटली चाहता है। तो आइडिया पे उनका भी ट्रस्ट आता है कि नहीं, दे आर डेफिनेटली इन फॉर इट फॉर द लॉन्ग रन, तो ये करके कुछ निकलेंगे। एंड एट द सेम टाइम सीटीओ के साथ भी वाइब मैच होना बहुत जरूरी है। वो कन्विंस तो हो जाएगा आइडिया पर, बट ही शुड बी सोल्ड ऑन अस एज वेल, है ना, क्योंकि तभी वो एफर्ट मारेगा। हाँ, पैसे लिए नहीं कर रहा है ये, तो मतलब कि साथ में कुछ बनाना है जो हमें भी नहीं पता कि एंड में क्या निकलेगा। तो आप लोग को सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी होता है। और अब आप बारी आती है क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की फंडिंग। मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि यार फंडिंग कैसे ले। कोई बोलता है कि यार क्या आइडिया पे फंडिंग मिल जाएगा, या फिर क्या एमवीपी बनाने में फंडिंग मिलेगा। तो आपको पहली बात किस स्टेज पर होना चाहिए फंडिंग लेने के लिए, और क्या क्या आपके पास होना चाहिए सो दैट इन्वेस्टर्स के कन्विंस होने के ज़्यादा चांसेस हो। इस केस में ना सबसे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप कितना डाइल्यूट करना चाहते हो, आपकी वैल्यूएशन कितनी है, यह सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है कि मेरे को मेरा डेक बनाना है। डेक बनाने के बाद आप इन्वेस्टर्स ढूंढते हो, इन्वेस्टर ढूंढने के बाद इन्वेस्टर रीच आउट करते हो। हमारा हिट रेट 20 में से 1 कन्वर्ट होता था। मैं कम से कम 200-250 इन्वेस्टर से बात करिए, अभी हमारे पास करीब इतने साल से बात करिए। हाँ, मैंने मतलब IIT IIM होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक्सेस मिलेगा, पर आपको कन्वर्ट तो आपके आइडिया पे ही होगा। अब बताता हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों ने अप्रोच किया, जो हमें सिखाया गया था कि हमें 1 साल के लिए फॉर एग्जांपल 4 करोड़ रुपए चाहिए, सारी सैलरीज देने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए एक साल का रनवे होना चाहिए। तो अगर एक साल से कम में रहा तो आप डर में जियोगे कि पैसे खत्म हो जाएंगे। तो एक साल का रनवे के लिए मेरे को 4 करोड़ चाहिए। जनरली सीड प्री सीड में आप 15 से 20% से ऊपर डाइल्यूट नहीं करते हो, तो समझ लो कि 20% डाइल्यूशन पे मैं 4 करोड़ रुपए उठा रहा था, तो कंपनी की वैल्यूएशन हो गई 20 करोड़। तो ये आपने डिफाइन कर लिया कि 20 करोड़ की वैल्यूएशन है, मैं 20% डाइल्यूट करना चाहता हूँ, ये मेरा आइडिया है। ये आइडिया लेके आप फिर इन्वेस्टर्स के पास जाते हो, फिर वो इन्वेस्टर्स को आप बताते हो कि ये वैल्यूएशन पे मैं ये आइडिया बना रहा हूँ, कंपनी ऐसे बना रहा हूँ, इस वैल्यूएशन पे मैं फंड रेज कर रहा हूँ, इतना पैसा मुझे चाहिए। और उसके बाद वो आपका पहला प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ 20 करोड़ ठीक है, पैसा आ गया, पहला इन्वेस्टर आ गया, तो आपका वैल्यूएशन लॉक इन हो गया। नहीं बट यहाँ पे इन्वेस्टर भी तो बोल सकता है कि मैं वैल्यूएशन से अग्री नहीं। हाँ वो बोलेंगे, अगर पहला इन्वेस्टर आ गया तो लॉक इन हो गया। हाँ। वरना दूसरा इन्वेस्टर, जैसे आपने शार्क टैंक पे देखा होगा, वो 150 करोड़ बोलते नहीं, ये तो 150 करोड़ कहाँ से, 20 करोड़ भी नहीं है। तो वो फिर उनका, क्योंकि उनको पता है कि किस इंडस्ट्री में कितना वैल्यूएशन होता है, किस स्टेज पे, तो बोलेंगे नहीं यार इस इंडस्ट्री में, आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो अभी 20 करोड़ नहीं होगा, 10 ही करोड़ होगा, तो आप अपनी वैल्यूएशन चेंज करोगे या किसी और इन्वेस्टर के पास जाओगे। तो वो साइक्लिकल प्रोसेस है जब तक आपको पहले 2-3 इन्वेस्टर नहीं मिलते हैं। फॉर्चुनेटली एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी कि जो पहली वैल्यूएशन हम रेस कर रहे थे, ऑब्वियसली लाइक देयर इज़ नॉट मच साइंस बिहाइंड पहली वैल्यूएशन के लिए, बट ओवर द टाइम जैसे जैसे इन्वेस्टर्स गॉट सोल्ड टू आवर आइडिया, दे देमसेल्फ रिवैल्यूएटेड अस एंड टू अ बेटर नंबर। ओके, बेटर नंबर मतलब उन्होंने, आपने 20 करोड़ बोला तो उन्होंने वैल्यूएशन बढ़ा दिया वहाँ। अच्छा। बोले कि नहीं थोड़ा और बढ़ा, दिस हैज मोर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमने भी नहीं देखा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक वेरी अर्ली, 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ ऑलमोस्ट। एंड आई थिंक हाँ, इन्वेस्टर भी इसीलिए अगर उनको बड़ा पिक्चर दिख रहा है वो बोलते हैं, क्योंकि वैल्यू हाई होगा तो नेक्स्ट जब वो सेल करेंगे और हाई वैल्यू पे वो सेल कर पाएंगे, लाइक नेक्स्ट राउंड और हाई वैल्यूएशन होगा तो उनको भी फायदा होगा। एंड ऑल्सो आइडिया और लोगों के अलावा to raise money you need this one particular skill which is persistence। रुकना नहीं, absolutely relentless, लगे रहना है, बस लगे रहना है। इन्वेस्टर वाला बोल रहे थे कि वैल्यूएशन कम ज़्यादा जो हो जाती है तो बहुत कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको इतना कंपनी डाइल्यूट करनी पड़ जाएगी कि फाउंडर के पास इक्विटी नहीं बचेगी। मैं 50% डाइल्यूट करके 10 करोड़ रेस कर लूँगा, पर 50% तो मेरी कंपनी चलेगी पहले राउंड में। अभी आपको कितने राउंड और रेस करने होंगे, तो आपके आखिरी में 2-3% इक्विटी बचेगी, तो आपका स्टेक नहीं है, आप तो एम्प्लॉय बन गए ना। एम्प्लॉय बन गया फिर मतलब एम्प्लॉय मोटिवेशन मेरा खत्म हो जाएगा। वहीं से तो भागे थे। हाँ, वहीं से तो भागे थे इसके लिए कि वो कि एक वैल्यू कितना डाइल्यूट करना है, दैट शुड ऑलवेज बी अ हार्ड स्टॉप, कि इसके ऊपर हम नहीं डाइल्यूट करेंगे, अब बाकी सब चीज़ें अपने आप उसके हिसाब से बन जाती हैं। ओके, एंड एक मेरा ये भी सवाल था कि आपने जैसे कि काफ़ी स्टार्टअप का एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद आपने स्टार्टअप किया, दूसरी तरफ एक और थॉट होता है कि यार आप जितनी जल्दी हो सके तब स्टार्टअप शुरू कर लो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। तो आपको क्या लगता है क्या सही है? एंड क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों जॉब के, उससे हेल्प होती है कि नहीं स्टार्टअप में? हेल्प बिल्कुल होती है। आई मीन आप बहुत सारे स्किल्स सीखते हो, आप बहुत सारी सिचुएशन में ऐसे आते हो जो अगर आप स्टार्टअप करोगे तो भी आएगी, अगर आपकी पहले से उससे तैयारी है जो कि आपकी पुराने जॉब से आई है, तो इट्स वेल एंड गुड, वाई नॉट, एब्सोल्युटली। एंड आई गेस ये वही होगा कि अगर आप स्टार्टअप में काम कर रहे हो, आपको पैसे मिल रहे हैं चीज़ें सीखने के लिए भी। हाँ, exactly। नहीं तो अगर खुद का स्टार्ट करोगे हर चीज़ में आपके पैसे जा रहे हैं, टाइम जा रहा है, वो हाँ वो। पर वैसा है कि जो 20, 22, 23 साल में कर रहा है उसकी रिस्क कम है, वो उस समय फाइनेंशियल रिस्क ले सकता है। हमारे को मतलब एक्चुअली मेरी शादी हो गई तो मेरे को फाइनेंशियल रिस्क में थोड़ा देखना पड़ता है। अभी 30, 31, 32 साल की उम्र में आप थोड़ा पैसे के बारे में सोचोगे, वो थोड़ा और ज़्यादा रिस्क है। बट आप उसमें फिर हम वो एक्स्ट्रा 7 साल एक्सपीरियंस लेके आते हो, जो आपने स्टार्टअप अलग अलग बनाए हैं, अलग अलग फंक्शन में काम किया है। तो मुझे एक स्टार्टअप चलाने के लिए जितने फंक्शन थे मैं सब में काम करके आया था, तो मतलब स्टार्टिंग से आता था कि हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, जो नहीं आता सीख लेते थे। अब जो नया बंदा 23 साल का स्टार्ट कर रहा है उसको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके पास रिस्क कम है पर उसकी मेहनत ज़्यादा है, मेरी मेहनत कम है पर मेरी रिस्क ज़्यादा है। उसका फाइनेंशियल वैसा रिस्क कम होगा बट उसकी इंटेलेक्चुअल रिस्क ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि जितना टाइम उसको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगेगा हमको कम लगेगा, क्योंकि हमने पहले से कर रखी है। वो हमने भले ही खुद ना सॉल्व करी बट हमने किसी और को देखा है वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। तो वही है कि It's all about not making the same mistakes again. And to each its own, मतलब जिसको जब सही लगे। Exactly. And again, जैसे आप सब टॉप टीयर कॉलेजेस में पढ़े हैं, तो क्या कॉलेज मैटर करता? क्योंकि स्पेसिफिकली बोलते हैं कि यार जो IIT, IIM के हैं उनको इन्वेस्टर्स का एक्सेस बहुत आसानी से मिल जाता है, दोस्त यार होते हैं। तो क्या कॉलेज सिग्निफिकेंटली मैटर करता है जब आप अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं? एक्सेस के लिए है बस। एक्सेस यस, उसको डिनाई नहीं कर सकते। एक्सेस भी है, पीयर ग्रुप भी है, एंड आई एम अज्यूमिंग जो कॉलेज में स्टार्ट करता है आपका इंक्यूबेटर एक्सेलेरेटर भी अब सबसे टॉप वाले वही हैं। एंड ऑल्सो एक मैं कहूँगा कि इट्स नॉट अ मिस इन अदर कॉलेजेस, बट टॉप टीयर कॉलेजेस में आपका एक वेरी पिक्यूलियर एटीट्यूड डेवलप होता है ओनली बिकॉज ऑफ योर पीयर, क्योंकि इतनी कॉम्पिटिटिव जनता पड़ रही है वहाँ पर। सबको सब कुछ बहुत बढ़िया करना है ना, मीडियोक्रिटी का चांस ही नहीं है बिल्कुल। तो वो एटीट्यूड एक बार आप में के अंदर आ जाता है ना, तो आप वो अपनी पूरी लाइफ में लेके चलते हो, फिर आपको कोई भी चीज़ मीडियोकर पसंद नहीं आती, फिर आपका काम भी हो या किसी और का काम भी हो। अगर आपको एक्सेल करना है तो यू हैव टू गो बियॉन्ड मीडियोक्रिटी, बिल्कुल चांस ही नहीं है उसके। फर्स्ट लेवल एक्सेस है, पर उसके बाद तो रिलेंटलेस होना ही पड़ता है। मतलब हमें भी बहुत ना सुनने को मिलते हैं, कि अगर 250 इन्वेस्टर में से 20 बचे हैं तो समझ लो कि 200 लोगों ने हमें ना करा है। तो एक्सेस तो मिल गया, बट उसके बाद एवरी फाउंडर इज ऑन हिज और हर ओन। आपका जो आइडिया, आपका जैसे प्रोग्रेस कर रहे हो, आपको पैसा मिलेगा, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पैसा उनका है, वो पैसा डाल रहे हैं, वो पैसा मतलब मेरे डिग्री पे नहीं डाल रहे हैं, वो पैसा आइडिया और टीम पे डाल रहे हैं। एंड ये पूछ रहा था कि एक तरीका होता है बूटस्ट्रैप स्टार्टअप का, टाइम ज़्यादा लगता है, बट अगेन आप अपनी पूरी कंपनी ओन करते हो एंड आप अपने हिसाब से कि ईजिली पिवट कर सकते हो, किसी को कन्विंस नहीं करना एज लॉन्ग एज टीम कन्विंस है। दूसरा है फंडेड स्टार्टअप्स, इसमें आपको बहुत स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है, 7 से 10 साल में पूरा एग्जिट दिलाना है, सबको रेगुलर अपडेट देना है, इन्वेस्टर्स को भी मतलब बोर्ड को भी कन्विंस करना है। तो क्या फंडेड स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला प्रोसेस है या बूटस्ट्रैप में फ़ायदे हैं? आपको क्या लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स आप फंडेड स्टार्टअप पहले काम भी करते थे और आप चला भी रहे। जिस तरीके से आप देखोगे कि फंडेड स्टार्टअप बूटस्ट्रैप में कंट्रोल ही है, बस एक ही इम्पैक्ट, एक ही चीज़ है, कंट्रोल। एंड आई थिंक प्रेशर भी होगा ना, क्योंकि आपके जो बूटस्ट्रैप में आपको जरूरी नहीं है कि 7 साल में पैसा तो खत्म हो रहा होगा तो खुद का प्रेशर भी तो आएगा। दोनों जगह अलग अलग है ना, पैसा जा रहा है ना, मेरे खुद की जेब से पैसा जा रहा है बूटस्ट्रैप में। और दूसरा हमारा मतलब एटलीस्ट मेरा विजन और हमारा विजन ये था कि हमें लोग चाहिए जो इस आइडिया को प्रोपोगेट करें। हम 2 लोग कर रहे हैं, पर वो 20 इन्वेस्टर अपने ग्रुप में प्रोपोगेट कर रहे हैं, और अब वीसी आएगा तो वीसी अपने ग्रुप में प्रोपोगेट करेगा। तो फॉर अस वी वांटेड मोर पीपल टू टॉक अबाउट इट, तो हमारे लिए फंडेड व्यू बेटर था कि हाँ छोटा छोटा चेक साइज लेंगे एंजल इन्वेस्टर पर, वो 20 लोग 400 लोगों से बात करेंगे, तो इमीडिएटली यू हैव सो मेनी पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट अस। तो हम उस एंगल से गए थे। बूटस्ट्रैप में भी जहाँ पे आपको आउटसाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो तो बूटस्ट्रैप समझ आता है, बट अगर आप कुछ कंज्यूमर बिजनेस बना रहे हो तो आपको फ्रॉम वर्ड गो चाहिए कि हर किसी को पता हो कि आप क्या कर रहे हो। आई थिंक कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टार्टअप्स को फंडिंग में भी, जैसे कि फिनटेक हो गया, सैस हो गया, ई कॉमर्स हो गया, इन कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस को फंडिंग चाहिए ही होती है। दूसरा मे बी बूटस्ट्रैप करके भी चल सकते हैं। हाँ बिल्कुल चल सकते हैं। और इन्वेस्टर के साथ क्या होता है ना कि इन्वेस्टर भी अपने एक स्किल सेट के साथ आता है। हाँ, तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू मे बी हैंड पिक योर इन्वेस्टर्स, तो अब उससे क्या है कि आप आपकी टीम एनहांस कर देते हो, वो क्या बोलते हैं आयरन मैन टाइप्स हो जाते हो कि आप और एक्स्ट्रा चीज़ें। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि इन्वेस्टर है, उनका स्किल सेट है, उन्होंने हम पे बेट करके पैसा डाला है, तो अपना स्किल सेट भी देता है, हमको ऑफर करता है वो। एंड विद दैट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन डू वंडर्स। एंड बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे हमारा एक इन्वेस्टर एचआर हेड है, एक इन्वेस्टर टेक हेड है, एक इन्वेस्टर कंपनी के फाउंडर है, एक इन्वेस्टर एडमिन, ये सब जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स देखते हैं। तो हम कुछ भी प्रॉब्लम होती है उस स्पीड में हम कॉल करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए। और उन्होंने अपने 25-30 साल के एक्सपीरियंस में सब देखा होता है, वो बता देते हैं कर लो। शॉर्ट सर्किट हो जाता है सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, हाँ सब कुछ कंप्रेस हो जाता है। अगेन नॉट मेकिंग द सेम मिस्टेक वाली बात है, प्रॉब्लम किसी और ने सॉल्व कर रखा है तो व्हाई डू आई रीइन्वेंट द व्हील अगेन। और एक चीज़ ये कि जब आप पिच डेक बनाते या क्या क्या चीज़ें, जैसे कि बहुत हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो पिच डेक भेजते हैं बट वो सही से होता नहीं है, तो पहली बात इन्वेस्टर्स को कैसे अप्रोच करें? ऑफकोर्स आपका तो नेटवर्क के थ्रू भी होगा, बट जनरली आपने भी खुद से अप्रोच किया होगा, तो इन्वेस्टर्स को कैसे अप्रोच करें? और दूसरी बात, पिच डेक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या स्टार्टअप किन किन लेवल पे होना चाहिए कि चांसेस बढ़ जाएं फंडिंग रेज करने का? तो कुछ कुछ वेबसाइट्स मतलब वीसी की वेबसाइट्स हैं, आप उन पे जाओ, उनके एप्लीकेशन में वहाँ पे वो लिख देते हैं कि ये पिच डेक में ये फ्लो होना चाहिए। जनरली इन सब का फ्लो बहुत ही सही होता है। मैंने पहले खुद से बनाया था, फिर मैं फ्लो देखा ये तो बहुत सही है, तो उस फ्लो पर ही हमने पूरा बनाया। एक बार आप पहला पिच डेक बना लोगे और थोड़ा फंडामेंटली सोचोगे कि मैं किसी इंसान को मेरा आइडिया बता रहा हूँ, एंड टू एंड क्या बताऊँगा तो उसको समझेगा, अपने आप वो इवॉल्व होते जाएगा कि मैं ये बताऊँ तो ये सोचेगा, ये बताऊँगा तो ये सोचेगा, ये बताऊँगा तो यहाँ पे एंड करेगा। तो आपको क्या क्या बताना है एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा इन सारी वीसी वेबसाइट पे। तो बाकी जैसे ये सेक्वा और हाँ इन पे मिल जाता है आपको कि आप जाओगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा कि और पिच डेक शुड कंटेन दिस 7 और 8 पॉइंट्स, 7 और 8 पॉइंट डाल दो, फिर अपनी स्टोरी के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लो, वहाँ तक आप पहुँच जाओगे। दूसरा, जब इन्वेस्टर ढूंढ रहे होते हो एक्सेस तो जो हम बात कर रहे थे है, बट हमने वही किया, लिंक्डइन पे गए फिनटेक इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर, रियल एस्टेट इन्वेस्टर, ढूंढ के इनको लिंक्डइन पे एक ब्लर्ब बना के कि ये 5-6 लाइन, ये हमारा पिच डेक है, आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आगे बात करते हैं। लोगों को भेजते रहते थे कंटिन्यूसली, जो आता था उससे बात करते थे, उसी में कन्वर्जन होती है। और किसी भी फाउंडर को ये करना ही पड़ेगा, अनलेस कि वो इतना हॉट शॉट है कि वीसी आके बोल रहा है कि तू मेरा पैसा ले ले। एंड ऑल्सो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पिच डेक हो गया, आपकी पिच होगी, दोनों केसेस में फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है और फीडबैक पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है डे इन डे आउट। तो जितने को आप पिच कर रहे हो वो अगर कुछ फीडबैक देना है उनको अप्लाई करना, मांगो फीडबैक। ओके, मतलब हमारा हमेशा हर एंड में हम सवाल पूछते थे कि आपका क्या फीडबैक है पिच डेक पे और आइडिया पे, तो वो इवॉल्व होते जाता था, कंटिन्यूअसली होता था, इंप्रूव करना, यस, वो बहुत जरूरी है। ये पूछना था कि जब आपने इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया और फिर डिस्कशन हुई, फाइनली डिसाइड हो गया कि वो फंडिंग कर रहे हैं इस वैल्यूएशन पे, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? आपको एक टर्म शीट मिलती है, या अगर आपको टर्म शीट मिल गई तो फंडिंग आप समझ लें कि आपके बैंक में इवेंचुअली आ जाएगा, क्या रहता है ये प्रोसेस? तो टर्म शीट मिलने का एक ही मतलब है कि आप और मैंने बात कर ली कि मैं आपको पैसा दूंगा, बट जरूरी नहीं है कि मैं आपको पैसा दूंगा। जब तक SHA साइन नहीं होता, जब तक बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता, कुछ मैटर नहीं करता। एक बार पैसा आ गया फिर वो नहीं ले सकता, बट पैसा आने तक टिल द लास्ट मोमेंट एक इन्वेस्टर बोल सकता है कि हम नहीं आएंगे। तो टर्म शीट इज जस्ट टर्म कि ये टर्म पे आप मुझे पैसा दे रहे हो कि आपको बोर्ड शीट चाहिए, इस इतने वैल्यूएशन पे इतना पैसा आप मुझे दे रहे हो। जब उस टर्म शीट साइन होती है उसके बाद पैसा अकाउंट में आता है, उसको बोलते हैं कॉल फॉर मनी। कॉल फॉर मनी मैं भेजता हूँ तो वो पैसा अकाउंट में भेजता है, मैं उनको कन्फर्मेशन भेजता हूँ, फिर उनको शेयर सर्टिफिकेट और SHA जाता है, विच इज शेयर होल्डर अग्रीमेंट, जिसमें लिखा रहेगा कि आपके ये आपके राइट्स हैं, आप एग्जिट करोगे तो ये आपके राइट्स हैं, अगले राउंड में ये आपके राइट्स हैं। तो सारे राइट्स, सारे टर्म्स, जो टर्म शीट के टर्म्स है वो SHA में आएंगे और आप SHA साइन करोगे फिर आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो टर्म शीट, कॉल फॉर मनी, पैसा आना, SHA साइनिंग और शेयर सर्टिफिकेट, तो ये प्रोसेस रहता है। आखिरी स्टेप आप इन्वेस्टर के पास शेयर सर्टिफिकेट जाने के लिए, और इसमें टाइम लगता है। मतलब हमारा जनवरी क्लोज होता, अभी तक पेपर वर्क खत्म हो रहा है। वो 2-2.5 महीने लोगों को लग जाते हैं। लोग बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि इतना टाइम कैसे लगता है, पर हर स्टार्टअप को पूछोगे बोलेगा हाँ 2-3 महीने पेपर वर्क में लगते हैं। वो यूपीआई थोड़ी बात किया, भेज दिया। और जैसे कि अभी आपको अपने स्टार्टअप में भी बहुत सालों तक काम किया है, 1-2 साल से अपने स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, फंडिंग भी रेज कर ली, ऐसी कौन सी 3 मिस्टेक्स थी जो आप चाहेंगे कि शेयर करें सो दैट अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स वो रिपीट ना करें? मेरे साइड से सबसे पहले कि जो पहली एजेंसीज होती हैं वो सही लेना। CS लीगल, ये इंसान सब कंपनी सेक्रेटरी लीगल जो कंप्लायंस देखेगा, और पहले 2-3 एडवाइजर बिल्कुल अच्छे चाहिए। वहां पे अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो वहां से डाउनफॉल हो सकता है, क्योंकि वो आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं हर एक फील्ड। नहीं, कंप्लायंसेस बहुत जरूरी है। तो शुरू में कोई परेशान नहीं करेगा, 1 साल के जब आपकी कंपनी थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना और आपके कंप्लायंसेस नहीं हुए होंगे तब बहुत प्रॉब्लम आती है। एंड टू द एक्सटेंट कि मेरे पे क्रिमिनल केस हो सकता है अगर कंप्लायंस नहीं हो। आप मतलब हमको मतलब कोर्ट जाना पड़ेगा फॉर हियरिंग्स अगर हम वो कंप्लायंसेस सही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले एज अ फाउंडर, क्योंकि सबको लगता है ये तो छोटा सा पार्ट है, नहीं, लीगल और कंपनी सेक्रेटरी सबसे इंपॉर्टेंट है, एडवाइजर सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक जो सेकंड मेरी लर्निंग है उसके बाद मैं ओपन टू शिखर की, जो एडवाइजर है किसी को लेके आते हो उनके साथ भी अग्रीमेंट होना चाहिए कि सीधी एक्विटी एक बार में नहीं जाए, कि अगर आपको मैंने बोला है कि 1% एक्विटी दूंगा तो उसमें साल की वेस्टिंग भी होनी चाहिए और परफॉर्मेंस क्लॉज भी होना चाहिए। ऐसे फ्री में नहीं होना, परफॉर्मेंस क्लॉज कि आप मुझे इस चीज़ में हेल्प करोगे, मैं आपसे इतने घंटे लूँगा, तो वो सब लिखा होना चाहिए आपके अग्रीमेंट में एडवाइजर के साथ। ताकि वो एडवाइजर, वरना एडवाइजर को तो आपने 1% दे दी, वो बोला ठीक है मेरे को तो इक्विटी मिल गया, मैं कुछ नहीं करूंगा और आप वापस नहीं ले सकते। तो ये सब चीजें अग्रीमेंट में होनी चाहिए। हर चीज जो कहीं भी कर रहे हो, कंसल्टिंग पे कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हो, एडवाइजरी दे रहे हो, हर चीज में अग्रीमेंट होना चाहिए जो डिफाइन करता है ये सारी चीजें। एंड अग्रीमेंट फिर इट फ्लोज डाउन टू बाकी हायरिंग और पीपल ऑल्सो। जैसे कि कपल ऑफ कंसल्टेंट्स थे, फ्रीलांसर्स थे जिनके साथ हम काम कर रहे थे, देयर वाज नो अग्रीमेंट इन प्लेस। एक और था कि अगर आप किसी को बहुत अच्छे से जानते हो तो आप ट्रस्ट कर लेते हो, बट यू नीड टू बी केयरफुल ऑल्सो। तो हुआ था एक केस जहाँ पे 1-2 महीने का डिले हो गया था हमारे काम में, वेयर वी हैड वो वर्किंग विद अ फ्रीलांसर, वो हमारे लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा था, बट एकदम से एवॉल्व हो गया, नो कॉन्टैक्ट, नो पिकिंग अप फोन कॉल्स, नो मैसेजेस। ये होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, बट इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो जस्ट बी केयरफुल। टाइमिंग की थोड़ी हो जाती है कई बार, जब मैं प्रोडक्ट में काम करता हूँ तो कोई फीचर आ जाते हैं तो प्रायोरिटाइजेशन में थोड़ी बहुत कई बार गलती हो जाती है, तो बहुत थॉट एक्सरसाइज देनी पड़ती है टू प्रायोरिटाइज कि भाई ये फीचर अभी जाएगा कि नहीं जाएगा। बट फीचर से पहले आई थिंक स्टार्टअप का भी टाइमिंग होना चाहिए ना। हाँ, वो तो उसके साथ ही आएगा कि आपका जो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से फीचर्स जाएंगे। तो वहाँ पे मिसमैच हो जाता है कई बार, बिकॉज आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, आपको पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है ना, बट मे बी शायद कंपनी को उसकी अभी फिलहाल इतनी ज़रूरत ना हो। तो वहाँ से फिर ये अप्रोच शुरू हुआ फॉर मी वेरी वेरी पर्सनली कि यार आगे से मैं वही डिसीजन लूँगा जो ना मेरी कंपनी को बेनिफिट करेंगे, नो मैटर व्हाट हैपेंस। वो मेरे से आ रहा है चलेगा, किसी और से आ रहा है चलेगा, बट वही कॉल लिया जाएगा जो कंपनी को बेनिफिट करेगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो ये कई बार ही हो जाता है कि आपने डिसीजन लिया है बट इट्स नॉट नीडेड राइट नाउ, शायद आगे पीछे होगा। तो प्रायोरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, और लगेगा टाइम और लगना भी चाहिए एब्सोल्युटली। और अभी जो आपकी स्टार्टअप जर्नी है उसमें अभी तक का आपका सबसे डाउन मोमेंट कौन सा था और उसको फिर ओवरकम कैसे किया, क्योंकि आपका स्टार्टअप में बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। 1 महीने का रनवे बचा था अकाउंट में। अच्छा, कि बस अगर एक महीना और पैसा नहीं आया तो विल हैव टू आस्क पीपल कि थोड़े 1 महीना और बिना पैसे के काम करना पड़ सकता है। एंड देन वी वेंट रिलेंटलेस कि अब पैसा चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए। इन्वेस्टर के लिए हमने इतने इन्वेस्टर को रीच आउट किया, एक कन्वर्ट हो गया, लीड इन्वेस्टर बन गया, उसका पूरा फंड ही क्लोज हो गया। तो मतलब ऐसा है कि कोई भी डाउन मोमेंट आएगा, डाउन मोमेंट आते हैं, आएंगे ही, नहीं आ रहे तो मतलब कुछ गड़बड़ है। हाँ। फिर वो इतना रिस्क किया, इतना आगे नहीं खेल रहा। हाँ। अभी अग्रेशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाइल रनिंग अ स्टार्टअप थोड़ा अग्रेसिव तो होना पड़ेगा, आपको ऑप्टिमाइज करना है, चैनलाइज करना है, बट अग्रेसिव होना पड़ेगा। तो वो डाउन मोमेंट वो था, उससे फिर हम एग्रेसिव गए और हमारा फंड क्लोज हो गया। तो इट जस्ट वेंट फ्रॉम हेयर टू हेयर। हाँ, वो उस टाइम पे थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा था क्योंकि हमारा MVP तैयार ही हो रहा था, हमारा वेबसाइट वाज नॉट रेडी टू गो लाइव। तो थोड़ा पुश किया, MVP लाइव हुआ एंड देन इट ओपन द डोर्स फॉर अस। मतलब उसको एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह आपने यूज किया, नॉट कि हम प्रॉब्लम हो गई तो छोड़ दो, नहीं, पुश किया और ड्राइव किया, एक्सेलरेट किया लगे। तो एज अ ऑफ कोर्स आपको भी अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है एंड टॉप ऑफ द गेम रहना पड़ता है। तो ऐसे कौन से स्टार्टअप के बुक्स या और कोई रिसोर्सेज हैं जो आप सजेस्ट करेंगे जो कि एंटरप्रेन्योर्स को देखना चाहिए शुरू करने से पहले, या अगर कर रहे हो अपना स्टार्टअप? हमें तो 2 बुक रेकमेंड करी गई थी, वो 0 to 1 पीटर थील और ब्लिट्सकेलिंग। उसके अलावा मेरे लिए तो 2 और बुक्स है, विच इज़ रेंज और विच गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव कि जर्नलिस्ट कैसे जीतते हैं, और अलमैनक ऑफ नवल रविकांत which gives you life ke fund hai. So between these 4 books I have had a good learning experience. For me I have a थोड़ा सा unconventional approach है मेरा, मैं philosophy बहुत पढ़ता हूँ। Okay, इसीलिए poem और वो सब। हाँ, it came from there, but उससे क्या है कि आपको human interaction, human behavior बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। एंड आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपको पता है कि आसपास वाले लोग कैसे काम करते हैं, उनका अप्रोच कैसा है, तो इट हेल्प्स। उनके इंसेंटिव्स क्या है, वो कैसे क्यों सोच रहे हैं, हाँ, वो वाला एंगल। एंड इट हेल्प्स मी यूज देम टू देयर बेस्ट पोटेंशियल विदाउट पुशिंग देम मच हार्डर। एंड फ्रॉम प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू मैं तो कहूँगा कि यार जस्ट कीप लुकिंग एट व्हाटएवर इज आउट देयर। सारी ऐप डाउनलोड करके देखो, सारी वेबसाइट खोल के देखो, सब कुछ देखो, साइन अप एवरीवेयर, एनीवेयर एंड एवरीवेयर यू कैन, जस्ट कीप एन ओपन आई, एंड आपको दुनिया ही बहुत कुछ सिखा देगी प्रोडक्ट के बारे में। एंड फिलोसफी के बारे में कोई रिकमेंडेशन या आप जनरली पढ़ते हैं? तो 3 highly recommended books would be, one The Difficulty of Being Good by Gurucharan Das. Okay. Second would be Beyond Good and Evil by Friedrich Nietzsche. अच्छा. And third would be Man's Search of Meaning by Viktor Frankl. Okay. तो ये जिनको थोड़ा ह्यूमन मोटिवेशंस और ये सब, हाँ, ड्राइव में बहुत काम आएगी, आपको इंस्पायर करेंगे किताबें। दे विल मोटिवेट यू टू डू समथिंग, मेक समथिंग अमेजिंग आउट ऑफ योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी को मतलब देने में किताबें हेल्प करेगी, एंड वो मतलब फिर आप कहीं से भी डिराइव कर सकते हो। हाँ। तो दोस्तों ये था इंटरव्यू इन्वेस्टोरी के फाउंडर्स के साथ। आई होप आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग गया होगा, अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या करना है ताकि आपको जल्दी सक्सेस मिले। बाकी आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था वो ज़रूर कमेंट्स में बताना। इंटरव्यू अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। आगे हम ऐसे और ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर्स को इन्वाइट करेंगे। एंड थैंक यू मनीशील एंड शिखर के आपने टाइम दिया, एंड होपफुली आपका स्टार्टअप और बढ़े और आप डिफरेंट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लेके आए हमारे लिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू स्टार्टअप ज्ञान।